ये गैस लेके आए थे, जो कि पता नहीं इसमें गैस भर के लाए थे, पर वो लीक हो गए कि समझ में नहीं आ रहा है। कुछ इस तरह हम इसको जला रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं पानशेत को कैंपिंग करने के लिए, और सब हमारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, गाड़ी में भर दिया हमने। बस टेंट वगैरह, टार्फ वगैरह सब ले लिया है, खाना बनाने के लिए सब ले लिया है। और बाहर मौसम कुछ ऐसा है, और अभी टाइम हो रहा है 4:30। तो अभी वो पहुँचने के लिए दिखा रहा है लगभग 1 घंटा 10 मिनट के आसपास। तो देखते फिर कब तक पहुँचते हैं हम। और बाहर कुछ ऐसा सीन है, मस्त माहौल है, एकदम कोजी कोजी। तो गाइज अभी हम है सिंहगढ़ रोड पे, और ये मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया, लहू के साथ जा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं अभी आगे जाके क्या सीन है। हमारा प्लान था वैसे सनसेट होने तक पहुँच जाने का वहाँ पे, पर थोड़ा सा लेट हो गया है, तो देखते कब तक पहुँचते हैं। तो गाइज अभी पहुंच चुके हैं खड़कवासला डैम के बाजू में, और जस्ट हम पास हो रहे हैं, बहुत सही दिख रहा है। बहुत ज़्यादा सीनिक है, एकदम मस्त लग रहा है। तो गाइज ये काफ़ी सुनसान इलाका लग रहा है, और बाहर देख एकदम देख सकते हो कि पूरा पहाड़ पे ग्रीनरी, पूरा जंगल टाइप। और हम जा रहे हैं अभी 2-3 मिनट में पहुंच जाएंगे उधर, और सामने ऐसा व्यू है बाहर, आप देख सकते हो। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं अभी, और यहाँ पे आपको लोकेशन दिखा, तो लोकेशन देखो, और यहाँ पे टेंट वगैरह सेटअप करेंगे सामने लेक के एकदम। तो अभी यहाँ पे लहू टेंट लिया है, टार्प लिया है, और ट्राईपॉड भी है उसमें। तो हम सामान लेके कुछ ऐसे ही नीचे जा रहे हैं, ये वहाँ पे ऊपर गाड़ी पार्क किए, और अभी कैमरा तो घुमा नहीं पा रहा हूँ, तो अब बस लोकेशन देख लो। तो गाइज अभी सब सामान वगैरह लेके आए हम नीचे, टेंट वगैरह जो भी है, पानी वगैरह सब लेके आए, और अभी यहाँ पे सेटअप करेंगे नीचे ही, इधर ही। तो देखते हैं अभी, आप टाइम लैप्स में देखना हम कैसे सेटअप करते हैं। लेके आ रहा है, ये हमारा जार रखने के लिए काम में आएगा। तो यहाँ पे रखना कि यहाँ पे रखना, इस साइड रखे क्या, इस साइड रखते हैं। तो इससे क्या पानी इधर ही जाएगा जो भी हम यूज़ करेंगे वो वाला। और वो एक पोल है टूटा हुआ, इधर इधर देख वो वाला, इसके पीछे वाला देखना, इधर वो भी क्या, हाँ वो खुला है ना। चलो हो गया अपना काम, पूरा साइट इंजीनियर, पूरा सिविल इंजीनियर, साइट का बंदा है, सब पता है उसको, कैसे तोड़ना है, कैसे उखड़ना है वो पोल। तो ये जाएगा अभी यहाँ पे आराम से। तो अभी ये जार धो के ले रहे हम लोग, बस 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 बस।
नल से पानी छोड़ दे थोड़ा, बस बस बस। हो गया हमारा पानी का शॉर्ट आउट। ऐसे हमने लाइट सेटअप किया है, नीचे पावर बैंक है और ये अमेजोन से मंगाए हुआ ट्यूबलाइट है। तो यहाँ पे अभी हम कॉफ़ी बनाने के लिए टेबल वगैरह रेडी कर रहे हैं। कुछ ऐसा सीन है अभी, इतना अंधेरा हो गया है और अभी हम कॉफ़ी बनाने वाले, ब्लैक कॉफ़ी। तो यहाँ पे गैस लेके आए हम, ये गैस लेके आए थे जो कि पता नहीं इसमें गैस भर के लाए थे, पर वो लीक हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है। शायद वो गाड़ी में ऐसा थोड़ा सा खुल गया तो उसके वजह से पूरा लीक हो गया। तो अभी हमारा कॉफ़ी का जो प्लान है थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। वो अभी हम बारबेक्यू सेट करेंगे, उसको जलाएंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे कॉफ़ी बनाने। गैस उठा के हम साइड में रख देते और अभी बारबेक्यू पे शिफ्ट हो जाते। तो हमारा प्लान ये है, जो यूटेंसिल से हम इसके ऊपर रख के गर्म कर सकते गर्म पानी के लिए। अभी हम बारबेक्यू सेटअप कर रहे हैं अभी। हम इसमें चारकोल लेके आए तो इसको जलाने के लिए हम फूड ऑयल यूज़ करने वाले हैं और ये टिश्यू पेपर है जिसको हम भिगो के ये कोल जलाएंगे। बारबेक्यू जल नहीं रहा है तो उसके लिए हम ड्रोन निकाल के उसको उसके फैन के हवा से जलाने वाले हैं अभी। कुछ इस तरह हम इसको जला रहे और जल रहा है वो अच्छे से, अभी मज़ा आया। तो ये अभी अच्छे से जल रहा है एकदम। तो गाइज अभी हम कॉफ़ी बना रहे हैं फाइनली, इसको ड्रोन से हमने अच्छे से जलाया। तो गाइज अभी ये लहू यहाँ पे हवा दे रहा है उसको और हवा से वो और थोड़ा फायर हो रहा है, तो ये पानी बॉईल हो रहा है, जो कि मुझे नहीं लगा था अभी तक पानी गर्म हो जाएगा, पर पानी अच्छे से गर्म हो गया है। जब ये हम कप धो रहे हैं यहाँ पे और इसका फ़ोन बार बार बजे ही जा रहा है। नेचर में आने के बाद भी इधर जियो को रेंज मिल जाती है तो इसके वजह से ये सीन हो रहा है पूरा। हम अभी फाइनली कॉफ़ी बना रहे हैं। आप देख सकते हो पानी अच्छे से बॉईल हो गया है और ये यहाँ पे गर्म हो गया है, तो मैं इसके लिए टिश्यू से पकड़ रहा हूँ इसको। आई एम लेफ्ट हैंडेड, दैट्स वाई आई पुट वाटर लाइक दिस। तो गाइज अभी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं, कॉफ़ी की चुस्की, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी सामने है लेक, वहाँ से जो लाइट्स वगैरह दिख रही है आपको तो वो चमक रहा है एकदम मस्त। तो गाइज हमने चिलर बॉक्स में बारबेक्यू चिकन के हिसाब से चिकन मैरिनेट करके लाया है। तो गाइज अभी हम बारबेक्यू स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे अभी चिकन को पलटी कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम थोंग लेके आएंगे। यस सही, थोड़ा जल गया, ये जल गया थोड़ा। तो
तो लहू अभी यहाँ पे बटर लगा रहा है पीसेस पे। ये थोड़ा ज़्यादा ही जल गया है भाई, इसका मैं थोड़ा आपको सिनेमैटिक वर्जन रिकॉर्ड करके सुनाता हूँ शॉटगन माइक से। ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे DJI का माइक है वायरलेस, और ये ऊपर शॉटगन माइक है, इसका रिसीवर फ़ोन में कनेक्टेड है और ये आवाज़ सुन सकते हैं। आपको थोड़ा बाजू की आवाज़ भी सुना देता, चिकन बारबेक्यू रेडी हो गया हमारा, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। ये देखो एकदम मस्त, यहाँ पे बाकी पीस रख दे हमने, अभी इसको टेस्ट करते। ये चीयर्स, बढ़िया मस्त, वाओ। तो गाइज अभी हम बनाने वाले बटर चिकन, और उसके लिए हमने प्याज मिर्ची और टोमेटो निकाल लिया है, और जो बटर चिकन बनाने वाले वो इस पे बनाने वाले बारबेक्यू पे। इसमें ये गया ऑयल, ये हम बना रहे बटर चिकन, और ये इसके लिए हम डाल रहे हैं इसमें मिर्ची। तो ये अभी जा रहा प्याज उसमें, जब ये जिंजर गार्लिक जा रहा है इसमें, जो कि बटर चिकन में जाता है नहीं जाता है पता नहीं, कुछ भी एक रेडीमेड हम मसाला लेके आए बटर चिकन बनाने का, तो वो डालने वाले उसमें। बाकी ये प्याज टमाटर ऐसे ही काट लिए, और जिंजर गार्लिक पेस्ट एकदम अच्छे से भून चुकी है, और ये अभी उसमें टोमेटो जाने वाला है। तो अभी इसमें जा रहा बटर, हम ये चिकन घर से मैरिनेट करके लाए थे। तो अभी इसको अच्छे से भूनेंगे हम लोग, हमने आज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है। इसके नीचे हमारे पास है बारबेक्यू और उस पर हम पका रहे। तो अभी हमने ये चिकन कढ़ाई में शिफ्ट किया है, क्योंकि ये पैन में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था पकने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से पक रहा है। तो ये चिकन में और एक बात है कि ये अभी इस पर मतलब हमने चारकोल पे पकाया है इसको, तो ये अच्छा स्मेल भी करेगा और अच्छा टेस्ट भी देगा गैस से कंपेरेटिवली, और ये बहुत ही मतलब अच्छे से पका है। ये गया धनिया ऊपर से। तो अभी हमारा चिकन बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं, और अभी हम पराठा गरम करते हैं, इसको साइड में करते हैं पहले। तो ये है वीट पराठा हम लेके आए रेडीमेड, और इसको हम ग्रिल करने वाले हैं डायरेक्ट इस पर, बस इस पर चिपक ना जाए। तो देखते हैं कब तक सेकता है, इसको सेकते हैं अभी अच्छे से, क्योंकि जो पैन है उसमें भी कर सकते, पर हम देख रहे कि इसका अच्छा एकदम आरोमा और टेस्ट आएगा। तो अभी अच्छे से पक रहा है, आप देख सकते हो फूल भी गया है थोड़ा सा, सही है। अड़क और थोड़ा पकने देते, फिर इसके बाद उसको ऊपर से बटर लगाते। पलटी मारो इसको, मार दे, सही। फूड व्लॉगिंग वीडियो डाला है भिंडी। इस हमारा ये अभी चिकन सर्व कर रहे हैं हम लोग, ये उसके साथ लच्छा पराठा, ये ऊपर से जा रहा है उस पर नींबू, और ये सलाद। तो एंजॉय करते हैं। तो गाइज अभी हम टेस्ट करते हैं फर्स्ट बाइट, ये ऐसा लग रहा है पराठा नहीं पापड़ है। पापड़ है, मस्त है, मस्त। कैसा लगा?
बहुत अच्छा लग रहा है, सही है भाई। तो गाइज अभी रात का टाइम हुआ है 2:36 और अभी हम सोने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया आज तो दिन भर, मतलब गैस का जो भी सीन हुआ उस वजह से हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। सब हमको बारबेक्यू पे कुकिंग करनी पड़ी, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया हमारा। तो अभी के लिए गुड नाइट, कल सुबह मिलते। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो रहा है 6:14 और बाहर के सीन्स कुछ ऐसे है, आपको दिखाता हूँ। तो आपको ये आवाज़ें मैं अभी शॉटगन माइक से अच्छे से सुना दो। गाइज, तो अभी फ्रेश वगैरह हो गए हो और शर्ट वगैरह चेंज कर दिया है और सामने कुछ ऐसा नज़ारा है सब। और लहू ने यहाँ पे आग लगाई है जहाँ पे हम कॉफ़ी बनाने वाले हैं। इसने बहुत स्ट्रगल करके आग लगाई अभी ये टाइम पे, ड्रोन तो उड़ाया नहीं हमने इस पर। तो अभी ड्रोन शॉट लेते हैं और आप देख लेना कैसे लगते ड्रोन शॉट्स। तो गाइज अभी यहाँ पे हम यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे थे और टिश्यू पेपर से कर रहे थे क्योंकि पानी हमारे पास कुछ कम है, तो इसके लिए। आई होप आपको ये ड्रोन शॉट्स पसंद आए रहेंगे। वो जो यूटर्न वाला रोड है पूरा यहाँ पे आगे, तो पूरा ये रूट ऐसा घूम के ऐसा 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 उधर जाता है।
तो ये रैप अप करते हैं सब और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइज मैं आपको एक पौधा बता, तो इसका नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, पर इसको हाथ लगाने पे आप देख सकते हो कैसा होता है एकदम। तो ये एकदम इंस्टेंटली क्लोज हो जाते हैं इसके पत्ते। तो टाइम अभी हुआ है 8:15 और हम यहाँ से निकल रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था और यहाँ पे हमने कुछ कचरा वगैरह नहीं छोड़ा है, जो भी कचरा है सब इसमें लेके जा रहे हैं हमारा। और ये व्यू मस्त था एकदम। यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड्स पुणे, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।